नमस्कार, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम बनाएंगे स्वीट डिश। ये बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, आप इसे बनाकर जरूर खाइएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। आप इसे कभी भी बनाकर खा सकते ये हैं, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। आप इसे जब भी बनाकर खाएंगे, आपका मन करेगा कि आप इसे बनाकर बार बार खाएं, क्योंकि ये बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही लाजवाब डिश बनकर रेडी होती है। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। हमने यहाँ पर लिया है लगभग 2 लीटर दूध। इसे हम चाहें तो आप फुल क्रीम ले सकते हैं या आप क्रीम निकाल कर भी ले सकते हैं। हमने यहाँ क्रीम निकाल कर दूध यूज़ किया है, तो हम इसे गैस पर चढ़ा देंगे और इसे बॉयल होने देंगे। इसे बीच बीच में चलाते रहें जिससे ये नीचे लगे नहीं। और हमने बराबर मात्रा में सेवई और साबूदाना ले लिया है। ये बिल्कुल छोटे साइज वाला साबूदाना है, ये मार्केट में आसानी से अवेलेबल होता है। आप इसी से बनाएंगे तो ये बहुत स्वादिष्ट बनती है। हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर रहे हैं और इसके बाद देखिए हमारा दूध बॉयल हो चुका है। इस बॉयल दूध में ही हमें सेवई को ऐड करना है, तो पहले हम इसमें सेवई ऐड कर देते हैं और इसे चला लेंगे जिससे कि सेवइयां हमारी चिपके नहीं और अलग अलग रहें। ये रोस्टेड सेवई है, अगर आपकी रोस्टेड सेवई नहीं है तो आप उसे रोस्ट करके यूज करिए। और हमने एक कढ़ाही चढ़ा ली है, कढ़ाही को हमने गर्म किया है, उसमें 1 टेबल स्पून घी ऐड किया है और हमने जो साबूदाना को धुला था उसे हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसे लगभग 1 से 1 ही मिनट हमें फ्राई करना है और लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है। इससे क्या होगा कि जब हम ये साबूदाना उसमें ऐड करेंगे तो चिपकेगा नहीं। तो हमारा साबूदाना लगभग 1 मिनट तक फ्राई करने के बाद हम इसे गरम दूध में ऐड कर देंगे। तो देखिए हम यहाँ पर साबूदाना ऐड कर रहे हैं और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे जिससे कि साबूदाना और सेवई अलग अलग रहे, ये चिपके नहीं। और दूध हमारा ध्यान रहे कि गिरने ना पाए, गैस को हम मीडियम फ्लेम पर कर लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करते जाएंगे जिससे कि साबूदाना और सेवई खिली खिली रहे। अब इसे बॉयल होने देंगे और इसकी क्वांटिटी हमें उबाल कर कम करनी है। जब ये उबलेगा तो अपने आप ये कम हो जाएगा। और ध्यान रहे कि हमें इसे बहने नहीं देना है, इसे बीच बीच में चलाते रहना है। तो देखिए लगभग हाफ एन आवर के बाद हमारे दूध की क्वांटिटी इतनी हो गई है और हमारी खीर भी लगभग बनकर रेडी है। ये इतनी स्वादिष्ट बनती है कि यकीन मानिए, आप इसे एक बार खाएंगे तो आपकी इच्छा करेगी कि आप इसे जरूर दोबारा बनाकर खाएं। तो देखिए अब इतनी ही क्वांटिटी हमें चाहिए। आप चाहें तो इसे और गाढ़ा भी कर सकते हैं या आप इसे पतला भी रख सकते हैं, आप अपने अनुसार कर सकते हैं। हमने यहाँ पर गुड़ लिया है, हम इसमें शुगर का यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो हम स्वाद के अनुसार गुड़ ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गुड़ को आप अच्छे से क्रश करके ही यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर होगा। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और गैस फ्लेम को हम ऑफ़ कर देंगे। तो देखिए गुड़ को अब हमें मेल्ट होने देना है और गैस फ्लेम को ऑफ रखना है जिससे कि हमारे दूध में जब गुड़ ऐड हो तो फटे नहीं। अब हमारी डिश बनकर बिल्कुल रेडी है। आप इसे फ्रिज में रखकर भी खा सकते हैं, ये बहुत स्वादिष्ट लगती है, लेकिन हमें ये गर्मा गर्म ही अच्छी लगती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा।